तो स्वागत है आपका अपने चैनल मेडीजी में। आज बात करते हैं कि मॉपअप राउंड में लगभग कितनी सीट्स वैकेंट रहती हैं और कट ऑफ क्या रहते हैं। तो बात कर रहे हैं यूपी के मॉपअप की। अगर टोटल सीट की यहां पे बात करेंगे तो 2022 में अप्रॉक्स 139 सीट मॉपअप में वैकेंट थे। और अगर आप ओल्ड पुराने कॉलेजों की बात करेंगे तो केजीओएमए में 3 सीट वैकेंट थे, रामा लोहिया में भी 3 सीट थे, जीएसबीएम कानपुर में 7 थे, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में 5 सीट थे, मेरठ में 2 सीट थे, झांसी में 6 थे, वीआरडी में 4 थे, सेफई में 9 थे। इस तरीके से और नए कॉलेज सब में मिला के 139 आपके वैकेंट सीट थे। और जो कट ऑफ रहा था वो आप देख सकते हैं। जनरल के लिए जो कट ऑफ था 597 था, रैंक 21,982 थी। बीसी के लिए 22,244, नंबर अगेन 597। ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ 595 था, रैंक 23,204 थी। एससी ओपी के लिए 136,000, एसटी 527,000। ये था मॉपअप का कट ऑफ। कोई बहुत बड़ा जो काफ़ी वीडियोस में आप देखते हैं कि 500 नंबर पे एमबीबीएस मिल जाएगा, 550 पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर कोई प्रयासरत रहता है, बस ये फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट काफ़ी स्पीड से कॉलेज को ऐड कर रही है, तो काफ़ी फ़ायदा आपको ये मिल सकता है कि अगर ये जनरल को 21,000 पे कॉलेज मिला था तो हो सकता है कि इस बार अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 25,000 तक भी जा सकता है। इससे ज़्यादा आप मॉपअप में नहीं सोच सकते। अगर किसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 25,000 से भी ज़्यादा है तो वो कम से कम ये नहीं सोच सकता है कि यूपी में उसको सरकारी सीट मिल जाएगी। बिल्कुल असंभव जैसा है। सरकारी सीट के लिए आपका लास्ट ईयर का आप रैंक देख सकते हैं। मार्क्स से आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, मार्क्स हर साल बदलेंगे, रैंक कॉन्स्टेंट होती है। इस रैंक में आप 1,000-2,000 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि 25,000 तक आपको सरकारी सीट ना मिले, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी रैंक 25,000 से थोड़ी सी भी ज्यादा है तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा बिना समय बर्बाद करते हुए, क्योंकि काउंसलिंग में 2 से 3 महीने जाते हैं, उसमें तो आप अपने एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चैनल मेडीजी पर मिलती रहेगी। काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे पूरी काउंसलिंग में अपनी हेल्प ले सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।